दिल्ली से बाहर से जाऊंगा आगरा। करोड़ ये लाख एप्पल का लैपटॉप, मगर मैंने एचपी में एप्पल लगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे सब लोग? टुडे इज 7 जून। आज अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वही दुकान आज ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी, और ये अच्छी बात है कि पब्लिक बाहर निकल सकती है, बस ये गुड न्यूज़ निकली है। और मगर यूपी में सैटरडे संडे लॉकडाउन है, बाकी दुकानें खुलेंगी तो कुछ टाइमिंग है 8 से 10 से 7 ऐसे कुछ टाइमिंग है, और दिल्ली में तो 10 से 8 तक है कि तुम बाहर निकल सकते हो, उसके बीच में नहीं। तो ले देखे केसेस भी कम आ रहे हैं डेली में, कल आए थे 400 कुछ, और सॉरी परसों आए थे 400 कुछ, और आज आएंगे कुछ 350 करीब। तो सेकंड वेव इज़ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, थर्ड वेव का वेट हो रहा है कि कब आएगी थर्ड वेव। बस यही प्रे करो कि थर्ड वेव ना आए, क्योंकि वो थर्ड वेव कह रहे हैं कि बच्चों पर ज़्यादा भारी रहेगी। आई डोंट नो, बस ये रिकमेंड करूँगा सर वैक्सीनेटेड हो जाओ जितना जल्दी हो सकता है, बट क्योंकि अभी क्या है सब सारे पेड के स्लॉट्स मिल रहे हैं, फ्री के स्लॉट्स पता नहीं मिल ही नहीं रहे। पता नहीं क्या वैसे स्कोर लगा है, क्या नाटक है, पेड के स्लॉट्स मिल रहे हैं। जब अब नॉर्मल बंदा है वो सरकारी में लगवाएगा जाके। अब क्या वैक्सीनेशन का स्लॉट मुझे तो अभी तक तो मिला नहीं, और जितने मिल रहे हैं सबके सब पेड वाले। अब सोच पेड़ वाले क्यों मिल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या नाटक है। और फ्री वाले क्यों नहीं मिल रहे? स्टार्टिंग में फ्री वाले मिल रहे थे, मगर बाद में पेड़ वाले मिलना शुरू हो गए। अब जब भी स्लॉट मिलेगा लगवा लेंगे, बट पेड़ वाले नहीं लगवाना ये मैं सोच के बैठा हूँ, पता नहीं क्या है, बस मेरा अपना है। जैसे कि आज मंडे है, मैं वर्क है इसमें स्टार्टेड, तो मतलब आज से शुरू हो गया है, अच्छी बात। सो आई हैव टू गो टू गुड़गांव, गुड़गांव में काम है, मतलब सेंटर में बिल्कुल गुड़गांव, अराउंड 40 किलोमीटर फ्रॉम हियर मैं चेक कर रहा था। तो आई हैव टू रीच अराउंड 12 o'clock, सो आई विल लीव अराउंड 10:30 or 11। सो आज शाम को नहीं तो कल सुबह प्रॉब्ली आई विल लीव फॉर बाहर, मतलब दिल्ली से बाहर से जाऊँगा आगरा। तो आज प्रॉब्ली मैं बिजी हूँ क्योंकि काम पे भी जाना है, फिर उसके बाद अपने पैकिंग भी करनी है, फिर और छोटे मोटे और घर के भी काम है जो यूजली रहते हैं। तो जब तक ये ब्लॉग रिलीज भी होगा तब तक मैं निकल चुका हूँ। जस्ट नीड टू चेक एवरीथिंग इज सॉर्टेड आफ्टर लॉकडाउन। चलो भाई जय माता दी, नाम लो और शुरू करो। सो गाइस आई एम लीविंग फॉर वर्क, ऑल सेट। थोड़ा डर लग रहा है, अच्छा खुशी भी हो रही है, लॉकडाउन के बाद काम करने जा रहे हैं। डर इस बात का है कि काफी टाइम बाद जा रहे हैं, बस फुल कर दे अनोबल। That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. I've reached the destination. अब देखिए एंट्री कहाँ से है, मंगोलिया की सर्विस गेट से। तो चलो मैम अंदर जाना है, है? मेकअप 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 हाँ अलाउ हो गया है, मेकअप सब अलाउ हो गया मैम। हाँ 70 करोड़ एक फ्लोर पे एक ही अपार्टमेंट से है ना, एक ही अपार्टमेंट उसकी दो लिफ्ट है। अरे भाई पानी है मैम, ठंडा मिलेगा पानी पीने के लिए? हमको खुद नहीं मिलता, आप देखो अभी आपको बोल रहे थे हाई फाई, देखो अभी हमारी हालत है, पानी तक नहीं होता है ठंडा पीने के लिए। भाई प्रॉपर गैस सिलेंडर्स आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब अलग ही लाइन है इनकी। सही है भाई, मतलब ये वाले वो वाले अपार्टमेंट्स हैं जिसमें एक फ्लोर पे एक ही मतलब एक ही फ्लैट होता है, और उसमें दो लिफ्ट होती है उनके घर के लिए जाने के लिए, टू वेज है, और ज़्यादातर यहाँ पे फॉरनर्स रहते हैं,
और हाई फाई क्लाइंट जो होते हैं, मतलब जिसकी कंपनीज होती है, लाइक हमारे जो 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 क्लाइंट्स हैं हीरो कंपनी के और साइकिल्स के और काफ़ी, तो वो लोग रहते हैं ज़्यादातर। इसी के बाद छोटी मोटी गाड़ी नहीं है यहाँ पे, ऑडी वॉडी ये सब है, और छोटी मोटी गाड़ी रख रखी है सब्जी लाने के लिए, जो हमारे हम सोचते हैं ऐश करने के लिए कि हम ऐसे रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे, सब आई ये लोग जी रहे हैं। ये वाले अपार्टमेंट्स का नाम है मैग्नोलियास, वन ऑफ द रिचेस्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स इन गुड़गांव, ऑल ओवर दिल्ली मान लो, कुछ भी कह लो। Finished with the work. I have to go somewhere else to another built tower. Tower में खत्म हो गया काम, दूसरे tower में जा रहे हैं। It's almost 4.5 hours doing work and now अभी भी भूखे बैठे हैं भाई, तब से 4-5 घंटे से, 4.5 घंटे से। अभी घर जाके मैंने पैकिंग भी करनी है यार, कल आगरा निकलना है। हाँ तो अभी बहुत सारे काम हैं और छोटे मोटे काम भी करने हैं घर में, और YouTube पे पता नहीं कौन सा कॉपीराइट क्लेम आ गया यार 2-3 वीडियो पे, उसको जाके ठीक करना है, होपफुली जाके ठीक सही हो जाए। सो वर्क इज़ डन, ऑलमोस्ट ऑल डन, मतलब एक तरह से। अब घर जा रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि बैडमिंटन खेलना है, आज नहीं खेलना, मगर मैं तो लग गया हाँ खेलेंगे यार जो हो जाए, क्योंकि खेल भी इम्पोर्टेंट है यार, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए बी एक्टिव। वैसे मैं कहता हूँ अपने गैस है, मतलब सिलेंडर अपने खुद गैस भरते हैं यहाँ पे। अगर किसी से पता करा कि घर कितने कॉस्ट करते हैं, यू वोंट बिलीव गाइस, 50-60-70 CR CR। पानी है मैम ठंडा, ये पानी थोड़ी है, ये पानी हमें पिला दो ठंडा, प्यास लग रही है, फैमिली लोग को नहीं मिलता। अब क्या तो हाई फाई सोसाइटी है, वही है। कोई नहीं, चलो राम राम। ये गुड़गांव में जितने फ्लैट्स हैं, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, जहाँ पे अभी मैं होके आ रहा हूँ, सब सबके सब एक फ्लोर पे एक फ्लैट, और भाई इतना हाई प्राइस। ऐसे काफ़ी टाइम बाद सफ़र करके, लाइक 35-40 किलोमीटर का सफ़र करके बड़ा मज़ा आ गया, मतलब मैं जैसे पुराने टाइम पे भी, मतलब पहले भी 40 किलोमीटर चले जाते थे लंबा, और गुड़गांव से आते थे कान में लीड लगा लो और गाने सुनते जाओ बिंदास। तो मैं घर आया हूँ, चेंज वेंज कर लिया, अब जल्दी से जा रहा हूँ बैडमिंटन खेलने, एक मिनट में लगा हुआ चेंज करने के लिए बस मुझे। गेम स्टार्ट तो हो गया होगा भाई, क्या चल रहा है गेम? थका हुआ तो बहुत था, मगर मंदिर तो आना ही था मंडे से आज, क्योंकि आज शिव जी का दिन, बिल्कुल आना पता है मंडे। अब ले आते ले आते मम्मी ने काम तो दे दिया है कि घर का थोड़ा राशन लिया हो, सर्फ एक्सेल आटा वाटा एंड ऑल, तो ले। किसी की लाइफ में एप्पल का फ़ोन आता है तो वो बहुत खुश होता है, और जब किसी की लाइफ में एप्पल का लैपटॉप आता है तो वो बहुत खुश होता है। आया नहीं है, एच पी का है, मेरा सपना आई नहीं है लैपटॉप एप्पल का लैपटॉप, मगर मैंने एच पी में एप्पल लगा दिया लोगों, जो मुझे मेरे फ़ोन के साथ मिला था। कब आएगा कब आएगा कब आएगा। सुबह काम करने के बाद अब खाना खा रहा हूँ मैं,
अब मतलब सुबह 9 बजे खाया था ब्रेकफास्ट और अब इंटरमिट फास्टिंग हुई, मतलब ये अच्छी बात है, मेरी वेट लॉस जल्दी हो जाता है इसमें. There's not much to do when all I can is thinking about you.